हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये दो कलर से लेडीज सॉक्स बनाने सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये थोड़ी सी ऊन में बनके तैयार हो जाएंगी। और इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने 10 नंबर की नीडल का मैंने इसमें यूज किया है। अगर आपके पास 9 नंबर की है तो 9 नंबर या 10 नंबर की आप इसमें यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही प्यारा डिजाइन है और बनाने में बहुत ही आसान है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला मैंने डिजाइन डाला है। तो देखिए, इसमें मैंने फ्रेंड्स नीचे डिजाइनर फंदे डाले हैं और मैंने इसमें 40 फंदे डाले हैं, क्योंकि मैं इसको 4 और 5 नंबर पैर के लिए मैंने इसको बनाया है। तो 5 नंबर के पैर के लिए ये आराम से आ जाएगी। और अगर आपको 6 या 7 नंबर की बनानी है तो उसका मेजरमेंट मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको वो कैसे बनानी है। तो देखिए, इसमें मैंने 40 फंदे डाले हैं और ये आप देख सकते हो डिजाइनर फंदे डाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने एक फंदे से स्टार्टिंग की है। वो मैंने कैसे डाले हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए, डबल की है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास ये पतली ऊन है, इसको मैंने डबल किया है। फंदे फंदे मैंने इसमें डबल के डालने हैं। तो देखिए कैसे डालेंगे। ऐसे हम इसमें एक सिंपल नोट लगाएंगे। ध्यान से देखिए, सिंपल नोट लगाने के बाद बिगिनर्स भी फ्रेंड्स इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, हमने इसमें निडल को डाल दिया, ऐसे इसमें हमने एक नोट लगा दी है। अब देखिए, इसमें फ्रेंड्स हम इनको अलग अलग कर लेंगे। या आप ये व्हाइट वाला आगे ले लीजिए। एक एक तो हमारा ये बना बनाया है पीछे वाला, आगे वाले से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। ये देखिए, इनको आप ऐसे अलग अलग कर लीजिए। तो ये व्हाइट है, ये व्हाइट हमारा पीछे चला जाएगा। आगे फंदे हमारा व्हाइट है, पीछे ब्लू है। तो अब हम इससे शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा आप इसको ऐसे नोट को लूज कर लीजिए। ये देखिए, हम इसके फ्रंट से बीच में से ऐसे फंदा यहां से बनाएंगे। दोनों के बीच में से ये देखिए, हमने यहां से निडल निकाल ली। व्हाइट वाले को आप पीछे ऐसे ले लीजिए और इस वाले से हम ये देखिए एक फंदा हम यहां से निकाल लेंगे। निकाल लिया, इसके बाद हम इसको ऐसे डाल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आप इसको लूज कर लिए, बाद में इसको आप टाइट कर लीजिएगा। एक फंदा हमने बना लिया, फिर से हम इसके देखिए बीच में से निडल डाल लेंगे ऐसे ही, और इसको हम पीछे कर देंगे और व्हाइट वाले को आगे ले आएंगे। ये देखिए, और अब हम व्हाइट से बनाएंगे। ये आपको स्टार्टिंग में लगेगा, फिर जैसे ही आप इसको डालने लगोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ये जल्दी जल्दी डाल लोगे। ये देखिए, ये हम ऐसे इसमें से निकाल के ऐसे डाल लेंगे। ऐसे नहीं डालने फ्रेंड्स, ऐसे ही हमने ये डालने हैं। ये देखिए, फिर से हम इसमें डाल लेंगे बीच में से। ये देखिए, हमने निडल को डाल दिया और इस वाले को अब हम पीछे कर देंगे और पीछे से ब्लू वाला हम आगे ले आएंगे। ये देखिए, और ये हम ब्लू से बना देंगे। दोनों ही फंदे, दोनों धागे आप निकालना फ्रेंड्स इसमें से, एक नहीं, ये क्योंकि हमने डबल कर रखा है। अगर मोटी ऊन है तो आप सिंगल ही ले लीजिए। ये देखिए, और फिर हम इसमें डाल देंगे।
फिर से नीडल डालेंगे, इसको पीछे कर देंगे, पीछे से वाइट आगे ले आएंगे और फिर इसमें से निकाल लेंगे, फिर इसको डाल लेंगे, ये देखिए, फिर से नीडल डालेंगे, इसको पीछे कर देंगे और पीछे से ब्लू आगे ले आएंगे, ये देखिए, फिर ऐसे डाल लेंगे, फिर बीच में से नीडल डाल लेंगे, इसको पीछे कर देंगे, पीछे से वाइट आगे ले आएंगे, ये देखिए, इसको हम ऐसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स नीचे देखिए, ये हमारी ऐसी चोटी की तरह लाइन हमारी ये बनती चली जाएगी। आप एक बार और देख लीजिए, ये देखिए, ऐसे हमने इसमें नीडल डाल ली, वाइट को पीछे कर देंगे, पीछे से ब्लू आगे ले आएंगे और ऐसे हम इसमें से फंदा निकाल लेंगे और वापस से नीडल में ऐसे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे करते हुए हमने इसमें 40 फंदे डालने हैं, तो मैं ये डाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए, इसमें फ्रेंड्स मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं, ये आप देख सकते हो, नीचे हमारी ऐसी ये डिजाइनर ये लाइन बन गई है। तो 40 फंदे के डालने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, हम इसको ऐसे सीधा बनाएंगे, दोनों तरफ से हम इसको ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे, ये देखिए, सारे ही फंदे हम ऐसे सीधे बना लेंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैं इसको यहां तक बना लेती हूं, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए, लास्ट वाला फंदा भी हम ऐसे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स पूरी रो मैंने उतार ली है, दूसरी साइड से भी हम इसको उल्टा ही बनाएंगे, ये देखिए, स्टार्टिंग करके बता दूं मैं आपको एक बार, दोनों साइड से फ्रेंड्स हमने इसको उल्टा उल्टा बनाना है, ये देखिए, ऐसे हमने इसको इस साइड से भी और इस साइड से भी। देखिए फ्रेंड्स मैंने छोटा सा नीचे बॉर्डर बनाया है, 6 लाइन मैंने इसमें बनाई हैं, ये आप देख सकते हो, 1, 2, 3। जब हम ये 2 लाइन बनाते हैं सीधी और उल्टी तरफ से, सीधा सीधा बनाएंगे, जब हमारी ये 1 लाइन बनेगी, तो देखिए मैंने इसमें 6 लाइन बनाई है। तो मैं इतना बॉर्डर बना के मैं आपको ऊपर का डिजाइन बताऊंगी मैंने कैसे डाला है। और अगर आपको फ्रेंड्स ये बॉर्डर बड़ा बनाना है, तो आप इसमें, मैंने 6 रो उतारी हैं, आप इसमें 8 रो उतार सकती हैं, 10 रो भी उतार सकती हैं। अगर आपको बड़ा बॉर्डर पसंद है तो आप इसमें ज्यादा रो बना लीजिए। मैं इसको इतना बना के फिर मैं डिजाइन आपको बताऊंगी कि मैंने डिजाइन कैसे बनाया है। ये देखिए मैंने इसमें 6 रो उतार ली हैं, आप देख सकते हो ये 1, 2, 3 मेरी ये लाइन बन गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस डिजाइन के बारे में बता दूं, यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ेंगे और इस साइड बढ़ेंगे, ये हमारा बीच सेंटर है और ये देखिए यहाँ से हमारे फंदे बढ़ते बढ़ते ऊपर चले जाएंगे। आप ये देख सकते हो डिब्बी हमारी ये चौड़ी है, ये आप देखिए इसमें फंदे इकट्ठे हुए हुए हैं, ये देखिए इस तरह से हमारे फंदे बीच डिजाइन में बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए अब हम इसकी डिजाइन की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ये हमारा डिजाइन यहाँ से जो शुरू होगा वो एंड तक ऐसे ही चलेगा, दोनों साइड से चेंज होगा तो बीच में से होगा। तो देखिए इसको हम सीधी तरफ ही बनाएंगे, ये मेरा व्हाइट है, आपने जो भी दूसरा कलर लिया है अब आप इसको ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर हम एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, फिर एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, फिर एक बनाएंगे और एक स्लिप करेंगे। ये आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में हमने 4 बनाए,
फिर हमने चार फंदे स्लिप किए हैं और तीन बीच में हमने व्हाइट के बनाए हैं। यहां तक इतना हो गया। अब देखिए चार फिर हम सीधे बनाएंगे, दो तीन और ये चार। अब यहां पे देखिए फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और एक व्हाइट बनाएंगे और एक स्लिप करेंगे। यहां से हमारे फंदे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे डिजाइन की ये वाली हमने स्टार्टिंग यहां से कर ली है। यहां पे देखिए बीच में आप एक फंदा व्हाइट है, इस साइड भी एक व्हाइट है, फिर ऊपर हमारे ये दो हो जाएंगे, तीन चार पांच, ऐसे हमारे ये दोनों साइड बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पे हमने एक फंदा लेना है, फिर हम चार सीधे बनाएंगे। ये हमारा बीच बिल्कुल सेंटर है, यहां तक हमने डिजाइन अपना हर बार ऐसे ही डालना है और आगे हमने जो यहां डाला है उसी को यहां पे हमने रिपीट करना है। तो ये देखिए चार है, इसके साइड में हमने स्लिप किया है, एक व्हाइट का बनाया है और एक फिर स्लिप किया है ये वाला। फिर हम ये वाले चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन और चार। चार फंदे ये बनाने के बाद ये देखिए फिर से हम यहां पे अपने ये तीन फंदे अंदर बनाएंगे और चार फंदे हम स्लिप करेंगे। ये हमने स्लिप किया, ये एक दो, ये देखिए फिर से हमने स्लिप किया और लास्ट में आप देख सकते हो चार फंदे ही हमारे बचे हुए हैं जो हमने स्टार्टिंग में व्हाइट बनाए थे। ये देखिए ये सेम हमारा डिजाइन इस साइड वाला यहां पे भी आ गया। अब इस साइड से देखिए हमने इसको सीधा ही बनाना, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर बार आपने ऐसे ही इस रो को बनाना है। एक बार मैं आपको ये डिजाइन पूरा कंप्लीट दिखाऊंगी हर रो का, फिर आप इसको ऊपर बना लीजिए। चार हमने सीधे बनाए, धागा अपने तरफ करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा उतारेंगे, धागा वापस लेके जाएंगे, इसको बनाएंगे। जब भी हम व्हाइट वाला बनाएंगे तो धागा पीछे लेके जाएंगे, ब्लू वाला बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, पीछे लेके जाएंगे और इसको हम सीधा बना देंगे। धागा पीछे करेंगे, इसको उतारेंगे और इसको हम ऐसे सीधा बनाएंगे। ये देखिए ये पूरी रो आपको ऐसे ही बनानी है। ये देखिए फिर से धागा पीछे लेके आएंगे, इसको उतारेंगे, इसको बनाएंगे, धागा पीछे लेके आएंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करके इसको बना देंगे। ये देखिए धागा पीछे लेके आएंगे, फिर से बनाएंगे। ये पूरी रो फ्रेंड्स मैंने पूरी ही दिखा दी है आपको, ये आज जितने भी आप फंदे डालो आपने ऐसे ही बनाने हैं। धागा आपने जरूर इधर लेके आना है, नहीं तो हमारा डिजाइन अगर हम ऐसे बना देंगे तो यहां से आगे से व्हाइट वाला आ जाएगा, हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा। ये देखिए फिर व्हाइट वाला हम बनाएंगे, पीछे लेके आएंगे, इसको उतारेंगे, इसको बनाएंगे। ये देखिए लास्ट के हम ऐसे सीधे बना देंगे। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इतना हमारा डिजाइन आप देख सकते हो डल गया। अब हमने अपना दूसरा, मेरे पास ब्लू है, आपके पास जो भी कलर हो जिससे आपने बॉर्डर बनाया है अब आप वो ले लीजिए। ये भी हम ऐसे देखिए सीधा बनाएंगे, लेकिन इस रो में फ्रेंड्स हम अपना फंदा बढ़ाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए ये सारे ही हम ब्लू वाले भी और व्हाइट वाले भी इस रो में सारे हम ये बना देंगे।
ध्यान से देखिए, ये चार हम बना देंगे। ब्लू वाली रो में ही हमारा फंदा बढ़ेगा फ्रेंड्स। ये वाला बनाने के बाद यहाँ पे हम अपना फंदा बढ़ाएंगे और ऐसे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ऐसे फंदा हम अपना एक इधर इस साइड बढ़ा लेंगे। फिर हम ये वाइट वाला बनाएंगे और एक फंदा हम इस साइड बढ़ा देंगे यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे हमने अपना फंदा बढ़ा लिया। ये हमारा बीच सेंटर है, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। ध्यान से देख लीजिए आप एक बार, हर रो में इसी कलर से जब हम बनाएंगे तो हमारा यहीं पे फंदा बढ़ेगा। स्लिप करने के बनाने के बाद स्लिप क्यों हुआ, और यहाँ पे ऐसे फंदा आप इसमें बढ़ा लीजिए। ये देखिए, ये वाइट वाला बना देंगे और एक फंदा ऐसे आप ऐसे बढ़ा लीजिए। ये पूरी रो हम आगे की ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बन गया। और फ्रेंड्स, इससे मैं अब ये सारी रो ऐसे ही उल्टी उल्टी बना के मैं इसको कंप्लीट करूंगी। ये हम सारी ही बना लेंगे। ये देखिए, तो मैं इस रो को बना लेती हूँ यहां तक, उसके बाद फिर मैं आपको एक बार और ये डिजाइन डालना बताऊंगी। ये देखिए, ये एक बार का हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। आप एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। ध्यान से देखिए, एक दो तीन चार, फिर हमने स्लिप किया, आपको नीचे से दिखाई दे जाएगा। फिर हम व्हाइट बनाएंगे, फिर से हम स्लिप करेंगे, फिर व्हाइट बनाएंगे, फिर हम स्लिप करेंगे, फिर हम व्हाइट बनाएंगे और फिर से हम स्लिप कर लेंगे। ये देखिए, सेम है डिजाइन, ये हमारा चेंज नहीं होगा। आगे देखिए, एक दो तीन और ये चार, चार बनाने के बाद हमने स्लिप किया था, उसके बाद फिर हम व्हाइट बनाएंगे, फिर हम स्लिप करेंगे और फिर हम व्हाइट बनाएंगे, फिर से हम स्लिप करेंगे। आप ये देखिए, ये जो दो फंदे हमने बढ़ाए थे, ये अब हमने व्हाइट बना लिए हैं। ऐसे ही हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, डिजाइन हमारा ऐसे ही डलेगा। पहले एक था, अब बीच में दो आ गई। साइड का ये हमने पहले भी स्लिप किया था और इस साइड का भी हम स्लिप करेंगे। अंदर ही अंदर हमारे फंदे इस डब्बी में बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारा बीच सेंटर है, तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, चार हमने बना लिए, फिर से हम स्लिप करेंगे और फिर हम ये व्हाइट बनाएंगे, फिर स्लिप करेंगे और फिर हम ये व्हाइट बनाएंगे और फिर से हम ये स्लिप करेंगे। फिर हम ये चार बना देंगे। आगे का हमारा डिजाइन फ्रेंड्स ऐसे ही चलेगा जैसे हमने ये डाला है। तो मैं इसको यहां तक इसमें ऐसे ही बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बता। ये देखिए, हम एंड में आ गए हैं। चार फंदे आपस हमने बना लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हमने इस डिजाइन को डालना है। बीच में हम अपने फंदे यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। ये देख सकते हो, दो इस साइड बढ़ गए और दो इस साइड बढ़ गई। अगली बार जब हम बनाएंगे, ये व्हाइट वाली फ्रेंड्स हमने ऐसे ही बनानी है। ये मैं एक बार इसको स्टार्टिंग कर दूं। ये देखिए, ये आपने ऐसे ही बनाने हैं, चार सीधे बनाएंगे और जब हम ब्लू बनाएंगे तो धागा अपनी तरफ लेके आएंगे, फिर इसको ऐसे उतारेंगे और इस रो को हम इसे बना लेंगे। इसको हमने ऐसे ही बनाना है। फिर जब हम ब्लू कलर की बनाएंगे, उसमें हम अपना फंदा बीच में बढ़ा लेंगे। ये जो फंदा फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्लिप कर रखा है,
अब हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, एक इस साइड बढ़ाना है और एक इस साइड बढ़ाना है। जब आप ये अगली रो में डिजाइन डालोगे तो हमारे यहाँ पे अब दो हैं, फिर हमारे ये तीन हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ तक हमने डाल लिया, फिर हमारे ये तीन हो जाएंगे, फिर चार, फिर पांच, छह, सात। ये देखिए मैंने ऊपर तक बनाया फ्रेंड्स, मेरे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 फंदे मैंने, 9 बार फंदे मैंने ये बढ़ाए हैं। तो मैं इसको इतना बना लेती हूँ। अगर आपको इसकी ये लंबाई ज्यादा बनानी है बड़े पैर के लिए, तो आप ये फंदे बीच में ज्यादा बढ़ा लीजिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप फंदे थोड़े से आप ज्यादा डाल लीजिए, ये जो डिजाइन है आप इसको बड़ा, आप इसको बड़ा बना लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इसमें ये, अब मेरा डिजाइन ये कंप्लीट हो गया, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसमें ऊपर यहाँ पे मैं फंदे अपने डिवाइड करूंगी। हाफ फंदे मैं इस साइड रखूंगी और हाफ फंदे मैं इस साइड रखूंगी। तो अब हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। एक धागा हम व्हाइट वाला छोड़ देंगे, ये मैं इससे बनाऊंगी, इससे मैं अब बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मेरे दोनों साइड में 38 फंदे इधर बनेंगे और 38 फंदे मैं इस साइड रखूंगी। ये जो आपका सेंटर है, बीच सेंटर है, हमारे फंदे यहाँ तक ये चार हैं, ये दो इस साइड ले लेंगे हम सेंटर के और दो इस साइड ले लेंगे, ये हमारा बीच सेंटर है। तो इसके फंदे हम यहाँ तक डिवाइड कर लेंगे, ये दो मैं इस साइड में मिला लूंगी और दो मैं इस साइड में मिला लूंगी। तो मैं यहाँ तक इसको ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाऊंगी। ये देखिए, आप ऐसे उल्टा बना लीजिए या आप ऐसे सीधा सीधा बना लीजिए। रो हमारी ऐसे ही उल्टी उल्टी, ये लाइन जो है फ्रेंड्स ये ऐसी ही बनेगी। तो देख लीजिए, दोनों साइड से अब हम इसको, मैं ऐसे उल्टा उल्टा मैं यहां तक इसको बना लेती हूं, उसके बाद फिर मैं ऊपर का बताऊं। ये देखिए, ये मैंने बीच सेंटर के दो फंदे इसमें ऐड कर लिए हैं, और ये जो दो फंदे हैं फ्रेंड्स मैं ये इस साइड इसमें ऐड कर लूंगी और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। अब हम अपने ऊपर अंगूठे और पंजे की इसमें छटाई करेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास फ्रेंड्स 76 फंदे हैं टोटल, तो मैंने 38 फंदे ही बनाए हैं। देखिए, ये मैंने सारी ही उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम दो रो बनाएंगे तो ये हमारी एक लाइन बनेगी। मैं पहले फ्रेंड्स इसको मैं यहां तक ही बनाऊंगी, हाफ बनाऊंगी। इसमें फ्रेंड्स मैं 16 रो उतारूंगी, अगर आप दोनों साइड से गिनो, और अगर आप एक साइड से ऐसे गिनो तो मैं इसमें ये 8 लाइन बनाऊंगी, 8 लाइन में इसमें बनाऊंगी। फिर फ्रेंड्स मैं यहां पे धागा इसमें जोड़ के, और ये पूरा होने के बाद ये सारे फंदे मैं वाइंड ऑफ कर दूंगी, बंद कर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं ये इस साइड के बनाऊंगी। इस साइड के निकल गए मेरे फंदे, मैं बाद में डालूंगी। तो इस साइड की भी फिर मैं इतनी ही 8 रो बनाऊंगी अलग अलग। फिर मैं आप उसके बाद मैं आपको ऊपर का बताऊंगी कि मैं ये पंजे की और अंगूठे की कैसे हम छटाई करेंगे, कैसे हम उसकी सिलाई करेंगे, वो मैं आपको ये बनाने के बाद ऊपर बताऊंगी। ये देखिए, अब इस डिजाइन की ये डब्बी हमारी खुल गई है। अब आप इसकी लुक देख लीजिए, बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी फ्रेंड्स पैर पे। जब आप ऐसे पहनोगे, ऐसे फ्लावर आएगा ये, तो आप इसको बना लीजिए। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगा। ये देखिए, इस साइड की मेरी ये पूरी हो गई है। इस साइड फिर मैंने यहां से धागा लगा के, और मैंने इधर की भी साइड भी मैंने बना लिया है। अब देखिए, लास्ट रो मेरी बची हुई, मेरी ये 8 लाइन पूरी हो जाएंगी। जब हम दोनों साइड से रो उतारते हैं फ्रेंड्स, तो एक लाइन हमारी ये बनती है। अब देखिए, ये हमारी लास्ट रो है, फिर हम ये सारे ही फंदे बंद कर देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स जो हम ये सॉक्स बनाते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी पैर में।
ये दोनों तरफ से हम बना देंगे। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स मैं आपको, ये अंगूठा हमने ये अलग अलग पार्ट कर लिए हैं अंगूठा और पंजा बनाने के लिए। और अगर आपसे ये आपको ये जूती स्टाइल में बनाना है तो आप ये यहाँ से इनको सारे ही फंदे एक रो में एक निडल में डाल के और फिर आप इसको ऐसे ही बना लीजिए तो आगे से इसकी जूती की शेप आ जाएगी। हमने ये अलग अलग पार्ट किए हैं क्योंकि अंगूठा और पंजा अलग अलग हम बनाएंगे। तरीका सेम है बनाने का। अगर आपको इसी डिजाइन में जूती स्टाइल बनाना हो तो आप यहां से पूरे सारे ही फंदे आप एक ही बार बना लीजिए, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, फिर आपकी जूती स्टाइल में बन जाएगी। ये देखिए सारे ही फंदे हम ऐसे वाइंड अप कर देंगे। और इस तरीके की फ्रेंड्स ये आसानी से हम किसी भी चप्पल में हम इनको पहन सकते हैं क्योंकि हमारा अंगूठा और पंजा अलग अलग बन जाता है। ये देखिए ऐसे हम सारे ही फंदे ये बंद कर लेंगे। दो का एक किया फिर वापस इसमें डाला, एक और आगे से लेके फिर से दो का एक कर दिया। ये देखिए सारे ही फंदे हम ऐसे। तो फ्रेंड्स मैं यहां तक बंद कर लेती हूँ, फिर मैं इसकी सिलाई बताऊंगी कि इसको हमें कैसे सिलना है। ये देखिए सारे ही फंदे हमने बंद कर लिए हैं। ये लास्ट वाले को भी हम यहां से ऐसे पक्का कर देंगे। ये मेरी तो ऊन खत्म हो गई फ्रेंड्स। अगर आपकी ऊन हो तो आप थोड़ी सी बड़ी कट कर लीजिए ताकि फिर उसको आप सुई में भी लगा सको। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने बताया था कि अगर बड़ी सॉक्स आपको बनानी हो तो आप क्या करोगे, मैंने इसमें 40 फंदे डाले थे। अगर आप ज्यादा फंदे डालो तो फ्रेंड्स आप ये जो हमारे हमने 4 बनाए थे आप इनमें वो फंदे आप एडजस्ट कर लीजिए। ये 4 की जगह आप ये 5-5 फंदे ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ लिया था और यहाँ लिया था। ये बीच का सेंटर का ये वाला डिजाइन आप नहीं छेड़ोगे, इसको आप ऐसे ही रखोगे। आप अगर फंदे आपको एडजस्ट करने हैं तो आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपने मान लो 5-4 फंदे ज्यादा डाले, जोड़े के हिसाब से आप फंदे डालिएगा, 4 फंदे डाले हैं तो आप इस साइड और 2 इस साइड, ये हमने 4-4 लिए थे, आप यहाँ पे 6-6 फंदे भी ले सकते हो। दोनों साइड आप यहाँ पे फंदे ऐड कर दीजिए, अंदर का डिजाइन आप ऐसे ही चलाइएगा। और ये वाली लंबाई थोड़ी सी आप बढ़ा दीजिए अगर आपको बड़े पैर की बनानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ते हैं तो हमारे ये फंदे बढ़ जाएंगे तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये फंदे भी हमारे यहाँ पे ज्यादा होंगे। ये हमारे पैर की नीचे की लंबाई है तो आपके सॉक्स की लेंथ अपने आप ही लंबी बन जाएगी। अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे, ये देखिए हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, सीधी साइड से हम इसको ऐसे उल्टा बाहर की तरफ ऐसे घुमा देंगे, सीधी साइड को अंदर रखेंगे और इस साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले मैं ये करके दिखाऊंगी, फिर फ्रेंड्स ये हमारे पैर के नीचे का हिस्सा है, आप इसको बिल्कुल किनारे से, ये जो किनारा है ये चेन है इसकी, इसको उठा के आप इसकी सिलाई करिएगा थोड़े से लूज हाथ से ताकि हमारे पैर में चुभे ना, इसको सील देंगे। और फिर ये बैक साइड है तो मैं इसको आगे से आपको सील के दिखाऊंगी। ये देखिए और खींच के नहीं सीलना फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा आपको लूज हाथ से इसकी सिलाई करनी है। बिल्कुल आप ये जो फर्स्ट फंदा जो चेन का है आप इसको ही उठाइएगा। ऐसे भी आप इसको सिल सकते हो कपड़े की तरह, ये बिल्कुल मशीन जैसी इसकी सिलाई आएगी। फिर हम बीच में से ऐसे निकाल के निडल, फिर थोड़ा सा हम आगे निकाल देंगे, फिर बीच में से थोड़ा सा और आगे ले आएंगे। ये देखिए ये एक साइड का हमने सील लिया। अब देखिए इसी को हम ऊपर लेके जाएंगे,
देखिए, एक तरीका ये भी है सिलने का। ये हमने अंगूठा और पंजा ना अलग अलग सिल लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, या तो धागे को पक्का आप यहीं पे कर दीजिए, या इसको ऐसे ही नीचे नीचे अंदर ले आइएगा, खींच के नहीं, थोड़ा सा लूज। ये देखिए, ये हम वापस आ गए। अब हमें ये वाला हिस्से की सिलाई करनी है। ये एक्स्ट्रा धागे फ्रेंड्स हम बाद में इनको काट देंगे, या क्रोशिए से आप इसको अंदर कर दीजिए। अब देखिए, ये वाला जो चेन है और इस साइड की ये है, दोनों साइड से अब आपको एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से ऐसे आपने इसकी सिलाई करनी है। तो मैं इसको फ्रेंड्स यहां तक मैं इसको पहले सिल लूंगी, फिर मैं ऊपर से, यहां से ऊपर नहीं लेके जाऊंगी, ऊपर से यहां से सिलना शुरू करूंगी। और बिल्कुल ऐसे हमने फ्रेंड्स ये लाइन से लाइन मिला के हमने इसकी सिलाई करनी है, व्हाइट से व्हाइट और ब्लू से ब्लू, बिल्कुल ऐसे मिला के मैं इसको फिर यहां तक ले आऊंगी सिलते हुए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहां से मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखिए, इसको हमने सील लिया है। ये देखिए, ऐसे हमारे पैर की ये शेप आ जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए, सारे ही की मैंने इसकी सिलाई कर ली है, इनको मैं बाद में आपको दिखाने के बाद में मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, फिनिशिंग करूंगी जब। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड है। ये आप देखिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये सिलाई कर रखी है। ऐसा लगेगा देखने वाले को जैसे ये हमारा डिजाइन ही ऐसे चला हुआ है। ये देखिए, आपने ऐसे ही बिल्कुल लाइन से लाइन मिला के सिलाई करनी है। अगर एक भी लाइन ऊपर नीचे होगी तो सारा ही डिजाइन ऊपर से नीचे तक खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी हमारी एडी की शेप आई है। और ये आप देख लीजिए, जब ये पैर में पहनोगे जब आप बना के, तो बहुत ही सुंदर इसकी स्मार्ट सी लुक आएगी। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना, और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो नई डिजाइन की अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नई डिजाइन के साथ। थैंक यू।